गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। तो हम अभी द्रास में हैं, द्रास सेक्टर एक्चुअली। और कल आपने जैसे देखा, हम कारगिल वॉर मेमोरियल गए थे और वहाँ से हम सीधा इसी होटल में आ गए। होटल पास ही है, वॉर मेमोरियल बगल में ही है, तो हम यही होटल में रुक गए थे। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम निकल रहे हैं आज लेह के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा रूम टूर दे देता हूँ। पहले ये एंट्री है, ये है बाथरूम और ये रूम है। स्पेशियस है, अच्छा रूम है, बेड वॉज वेरी कम्फर्टेबल। चार्जिंग पॉइंट्स बहुत सारे मिले हैं तो हमको अच्छा खासा फ़ायदा हो गया उससे। और ये रूम हीटर भी दिया था, इससे हमारी जान बची कल। टेबल चेयर है और ये है खिड़की, खिड़की के बाहर का व्यू ये देखो, बर्फीली चोटियाँ, बहुत ही बढ़िया व्यू, बर्फीले चोटियाँ। और उस तरफ है वर्मा मंदिर, हम पास ही में हैं। और नीचे हमारी बाइक से, तो अभी हम निकलेंगे लेह के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। आज का मौसम अच्छा है, हल्की हल्की धूप है और हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। ये हमारा होटल था और वो हमारा रूम। चलो चलते हैं। गाड़ी चलाने से ठंडी हवा लग रही है। और ये रहा वॉर मेमोरियल और हम निकल पड़े हैं लेह की ओर। सफर है ना लेह लद्दाख सर्किट, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। आपको ऐसा नहीं कि भाग भाग के लेह पहुंचना है, यू टू एंजॉय द कंप्लीट जर्नी थोरली। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा जर्नी अच्छे से शोकेस कर सकूं। तो मैं आपको पूरी जर्नी में जो हमने जो सुंदर सुंदर जगह देखी मैं सब दिखाऊंगा आपको। आपने ऑलरेडी अब तक तो देख चुके होंगे, आगे भी देखेंगे। तो नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आपको पूरा डिटेल में अच्छे से सुंदर सा जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख पूरा माउंटेनियस वैली रीजन सब देखने को मिलेगा। कारगिल और 5 किलोमीटर बचे हैं यहाँ से। खांगराल 63, लामायुरू 102, निम्मो 189, ले 225, प्रोजेक्ट विजयक। जोजिला के पास हमने देखा था प्रोजेक्ट बीकन, यह है प्रोजेक्ट विजयक। ये सारे बीआरओ के ही हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इनका प्रोजेक्ट का नाम अलग अलग है। प्रोजेक्ट बीकन जो था वो कश्मीर वैली के लिए था और प्रोजेक्ट विजयक जो है वो लद्दाख के लिए है। वेलकम टू कारगिल, एंजॉय योर विजिट, थैंक यू।
कारगिल में आपका स्वागत है। कारगिल पुलिस, पेट्रोल पंप मिल गया हमारे पास, अभी है फिलहाल और आगे चले जाएगा, आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे कुछ एंट्री फी लगता है, उसके लिए रुका है। अच्छा, एलए वाले नंबर को कुछ नहीं बोल रहे, बाहर वाली गाड़ियों को लगता है। ऑफ कोर्स ये लोकल एड्स हैं, इनको क्यों लगेगा, जेके वालों को भी छोड़ रहे हैं। आई थिंक सुमित ने हम दोनों का दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया कारगिल मार्केट। मुलबेक 36, खंगराल 60, लमायूर 99, ले 222, प्रोजेक्ट विजयक। बॉर्डर रोड्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। वो देखो सूखी सूखी पहाड़े ऐसे ही देखने मिलेंगे लेह तक। भाई लोग मुझे थोड़ा जाने दो। ओहो, गाड़ी में क्या कोयला डाल के चला रहे? जाओ जाओ। क्या धुआं है, छे इनका पीयूसी नहीं होता है क्या? इनका पीओसी होना चाहिए, पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल।
कोट पहन लिया है। मुझे लग रहा है कहीं पे तो रुक के ग्लव्स लगाना होगा, हाथ जमना शुरू हो गया, दर्द कर रहा है, ग्लव्स पहनना पड़ेगा। कल का सीन याद दिला दिया है, लालों के दिख रहे हो गया। तो दोनों हाथ में ग्लव्स पहन लिए, कल ग्लव्स में हाथ जम रहे थे, आज अच्छा लग रहा है, ग्लव्स सूख गया थे रास्ते में। थोड़ा लाइट आ रहा है यहाँ पे, फाइनली थोड़ा ड्राई एरिया देखने को मिला, अच्छा लग रहा है। इस तरफ आसमान साफ है और सुंदर सुंदर स्तूपा के सामने फोटो खींचाना बोलता है ना बस। हाथ काफी अच्छे कंडीशन में है, लाल है लेकिन जैसे जम रहा था जम नहीं रहा है। सामने का व्यू देखो, सुंदर भी है खतरनाक भी है, ऐसे व्यू बहुत रेयर होते हैं। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर नजारा है, पीछे से काले बादल थोड़े हटे और सूर्य देवता ने कृपा बरसाई और हमें ये सुंदर नज़ारे मिले। मैं बस चाहता हूँ आगे के राइड्स में ऐसे ही रहे, बारिश ना हो, ऐसा रहेंगे तो फिर बढ़िया आएगा। लद्दाख बंजी जंपिंग, यहाँ पे एक बढ़िया सा डिसेंड होता हुआ, वाह ब्यूटीफुल व्यू, नज़ारे एकदम टॉप नॉच, इसलिए तो लद्दाख आए हैं। वाह क्या डिसेंड है। ये लोग क्या कोयला डाल के चलाता है ये गाड़ी। वाव क्या नजारा है बॉस, ब्रिलियंट अमेजिंग, मजा आ गया। लेह ने हमारा ऐसा स्वागत किया है कि मैं क्या बताऊं। वाह लेफ्ट साइड में एकदम स्तूपाज ही स्तूपाज है, बहुत ही सही लग रहा है एकदम। यहाँ सीधा जाने से दारचा मनाली चंडीगढ़ चिलिंग मीरक पदम, ओके हमको सीधा जाना है, सीधा जाएंगे। वो देख पीछे क्या लिखा है, लेह के लिए राइट लिखा है, मतलब ये लोग यहीं पे ही जाएंगे ना। क्योंकि वो एग्जिट करा रहा है,
मनाली चंडीगढ़ दिखा रहा था, मतलब इट्स एग्जिटिंग फ्रॉम ले, तो हम यहीं पे जाएंगे। हम ले पहुंच गए हैं भाई साहब, ड्रीम कम ट्रू। तो फाइनली हम ले पहुंचने वाले हैं कुछ किलोमीटर्स और मेरा सपना साकार ले आने का। सपना तो उसी दिन साकार होना शुरू हो गया था जब मैं घर से निकला था इस ट्रिप के लिए, और ज्यादा एक्साइटेड तब हुआ जब मैं दिल्ली से आगे बढ़ा, और आज फाइनली हम ले में एंटर करने वाले हैं। एक गाड़ी यहाँ पर रुक के क्या कर रही है? सारी खाने पीने में कुछ है क्या? मैग्नेटिक हिल, तो ये हम आ गए मैग्नेटिक हिल। वेलकम टू मैग्नेटिक हिल, द फिनोमेनन दैट डिफाइज ग्रेविटी। पार्क योर व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद पेंट ऑन द रोड एंड एक्सपीरियंस द वंडर। क्लिक फोटो विद लद्दाखी ड्रेस। अभी उतना टाइम नहीं है बॉस, यही तो बॉक्स बना है, और कहाँ बॉक्स है? उतर जाना, उतरना होता है तो फिर देखेगा कैसे। रुक मैं आता उसको मैग्नेटिक हिल एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, मैग्नेट देख पॉइंट क्या होता है, गाड़ी रख के तेरे को दूर से देखना होता है, तेरे को लगेगा गाड़ी अपना मूव कर रहा है, तू बैठा रहेगा तो क्या दिखेगा तेरे को? फोर व्हीलर होगा, टू व्हीलर तो गिर जाएगा, अपने आप मूव करेगा। तो वो पता नहीं एक फेनोमेनन होता है कैसे काम करता, मुझे भी नहीं पता, तू उतर तो देखते ना पहले। कैसे मूव करेगा मुझे नहीं पता, तू उतर तो एक गाड़ी से, एक गाड़ी में देखते नहीं होगा तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एटीवी राइड भी मिल जाएगा, बढ़िया सा ट्रैक बना हुआ है, और ये देखो राइड शुरू हो गया। पूरा जाके वहां से घूम के ऐसे आना है। अच्छा टेस्ट कुछ लिखा है, रुक, टेस्ट लेन तो मैंने रखा है, कुछ लग रहा है? कुछ तो नहीं लग रहा, इसको वहीं रखना था। क्या मेरी गाड़ी मूव हो रही है? नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। सो दिस फेनोमेनन डज नॉट वर्क एक्चुअली, ये कोई नज़रों का धोखा होगा, कुछ तो हो नहीं रहा। मैग्नेटिक हिल हमने टेस्ट कर लिया, नॉट वर्किंग, लिटरली कुछ हो नहीं रहा है। चलो चलते। हेलो, मैं उड़ीसा से। अभी कहाँ जा रहे? मैं अभी ले जा रहा हूँ। अच्छा, मैं उस फोटो खींचने के लिए यहाँ पे आया। कितना दिन लग गया ले तक, यहाँ तक? अब ले तो पहुँच गया ना। मुझे, मैं निकला था लास्ट वीक। जुले पत्थर साहिब, गुरुद्वारा पत्थर साहिब बंद है, अब क्या कर सकते, बंद ही है तो क्या कर सकते, बट ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। हराइजन देखो, मस्त लग रहा है एकदम, सब सही है, बस मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। टोल प्लाजा ट्वेंटी, दो बाइक का करना, एक और टिकट देंगे ना, थैंक यू। तो यहाँ पे टोल लगता है, पहले भी लगा था एक बार। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले वेलकम्स यू टू ले यूनियन टेरिटरी लद्दाख। नीचे एक नदी, क्या व्यू लग रहा है, वाह। वाओ, जबरदस्त। ये क्या है, मोनेस्ट्री है, मंदिर है, दुर्गा माता मंदिर है। वाओ, गुरुद्वारा भी है। आगे जो शहर है वो ले है, पहाड़ों से घिरा हुआ।
है ना ब्यूटीफुल। हॉल ऑफ फेम, अच्छा आना पड़ेगा यहाँ पे हॉल ऑफ फेम। ज़्यादा नहीं, कोई 7-8 किलोमीटर होगा, दिन में आएंगे। वेलकम टू ले, थैंक यू ब्रो, वी आर इन ले, माई ड्रीम हैज फाइनली कम ट्रू। ले मार्केट, नुब्रा वैली, मनाली, पेंगोंग लेक, और हम ले में एंटर हो चुके हैं फाइनली। राइट साइड तो ले मार्केट जाता है, मार्केट के आसपास होटल ले लें क्या कुछ? मैंने देखा था मार्केट के पास होटल वोटल मिल जाता है। यहाँ पे एक चौक है जहाँ पे एक स्तूपा बना हुआ है। मैंने जितने व्लॉग्स देखे हैं किसी के व्लॉग्स में कोई इन पीक्स पे कभी बर्फ नहीं दिखा है, लेकिन आज मुझे इन पीक्स पे बर्फ दिख रही है। दैट्स द रीज़न ये मेक एंड होने जा रहा है, लेकिन इट्स स्टिल कोल्ड। आज 30 तारीख है। किन का स्टैचू मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। उस तरफ ली मार्केट, पेंगोंग उस तरफ पड़ेगा।